आईडी टीवी प्रेजेंट एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरपोर्ट से उड़ान भरने के दौरान दीवार से टकरा गई। वहीं इस हादसे के बाद नागरिक विमान मंत्री सुरेश प्रभु ने बड़ा फैसला लिया है। सुरेश प्रभु ने एयर इंडिया की सुरक्षा का जिम्मा किसी प्रोफेशनल एजेंसी को देने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अपने एक आदेश से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका दिया है। न्यायालय ने राजधानी के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में इलाज के लिए दिल्ली वासियों को अन्य लोगों के मुकाबले तरजीह देने संबंधी आप सरकार के परिपत्र को शुक्रवार को रद्द कर दिया। गाजियाबाद के इंदरपुरम इलाके में गुरुवार देर रात एक महिला डॉक्टर की क्लिनिक में घुसकर हत्या कर दी गई। महिला का शव क्लिनिक में मरीज देखने वाली बेंच पर पड़ा हुआ मिला। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को कथित रूप से अपमानित करने वाले लेखों के कारण एक तमिल पत्रिका के संपादक और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद साप्ताहिक के 35 कर्मचारियों ने अग्रिम जमानत के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। शासन व्यवस्था में पारदर्शिता की पुरजोर वकालत करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि लोकतंत्र में अत्यधिक सूचना जैसी कोई चीज नहीं होती और सूचना की अधिकता को हमेशा पसंद किया जाता है। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पीएम ने पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में कटौती के नाम पर जनता को ठगने का काम किया है। दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर मेट्रो स्मार्ट कार्ड से बसों में किराया भुगतान करने पर आपको 10% तक की छूट मिल सकती है। परिवहन विभाग इस संबंध में कैबिनेट नोट तैयार कर रहा है। वोटर लिस्ट मामले में राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने जा रहे आगामी विधानसभा चुनाव के सिलसिले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए जाने की मांग करने वाले नेताओं कमलनाथ तथा सचिन पायलट की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति गौतम पटेल ने देश में चल रहे मीटू अभियान के समर्थन में खुलकर कहा कि पितृसत्तात्मक दुनिया महिलाओं को खुलकर बोलने की अनुमति नहीं देती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शुक्रवार को दावा किया कि राफेल विमान सौदे में लगाए आरोपों और रुपयों की कीमत में गिरावट जैसे मुद्दों के जवाब में सरकार विरोध के स्वरों को दबा रही है। ये है डीआईडी में खबरें अब तक। इंतजार कीजिए कल तक।